तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप एक साइकिल व्लॉगिंग सेटअप आप बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो आज के वीडियो में हम दो चीज कवर करेंगे, एक तो अगर आप गोप्रो से बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, और एक है अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो। और गाइस यार बहुत सारे बंदे कॉमेंट भी कर रहे थे, भाई आप जो हेलमेट यूज करते हो वो कौन सी हेलमेट है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ से आपको लेना है और बहुत ही कम बजट में आपका जो सेटअप है वो कम्प्लीट होने वाला है। अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा के लिए कौन सा सेटअप बनाना है ये बताएंगे, और अगर आप फोन से व्लॉगिंग करना चाहते हो तो फोन से कैसा सेटअप बनाना है ये भी गाइड करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कैसे आप कैमरा से मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हो। अगर आपके पास कैमरा होगा ना तो बहुत ही आसान तरीके से मोटो व्लॉगिंग सेटअप बन जाता है, एंड साथ साथ भाई गोप्रो से अच्छा व्यू भी आता है, मोबाइल से भी अच्छा आ जाता है, बट थोड़ा उसमें स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है और थोड़ा क्वालिटी की भी दिक्कत आ जाता है। तो मैं प्रीफर करूंगा भाई कुछ एक्शन कैमरा खरीद लो, गोप्रो हो या फिर दूसरा ब्रांड हो, बस एक्शन कैमरा खरीद लो। आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो या फिर नया भी खरीद सकते हो अगर आपका बजट हो तो। तो मैं तो भाई सजेस्ट करूंगा कि गोप्रो का जो लोएस्ट मॉडल है ना वो खरीद लो, सेकेंड हैंड अगर मिले तो बहुत बढ़िया। ओल्ड मॉडल है वो खरीदोगे तो भाई 10K के अंदर आ जाना चाहिए, बाकी मेरा आइडिया नहीं है, आप मार्केट में पता कर लेना, इससे कम भी आपको मिल सकता है। अभी बात करते हैं कैमरा से कैसे आपको एक साइकिल व्लॉगिंग सेटअप बनाना है। तो गाइस कैमरा से व्लॉगिंग करने के लिए आपको हेलमेट चाहिए। देखो यार मोबाइल से करो या फिर कैमरा से, आपको एक हेलमेट चाहिए ही होगा, या तो आप ये वाला हेलमेट ले सकते हो और नहीं तो गाइस ये वाला हेलमेट आप ले सकते हो। इस हेलमेट के बारे में आपको लास्ट में बताते हैं कौन सा क्या हेलमेट है और कहाँ से मिलेगा एंड कितने का है। ये दोनों हेलमेट ही आप ले सकते हो, बाकी मैं प्रीफर करूंगा यही वाला हेलमेट लेना, क्योंकि इसमें आप गोप्रो से भी कर सकते हो एंड मोबाइल से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास गोप्रो है ये वाला हेलमेट भी आप ले सकते हो, ये तो मैंने अमेजोन से लिया था, बाकी आप एक काम करना डीकैथलॉन से ले लेना, ऑक्सेलो का या फिर बी ट्विन का हेलमेट आप ले लेना तो उससे अच्छा होगा। और गोप्रो अगर है आपके पास तो ये चीज आपको मिला ही होगा बॉक्स में, जैसे कि गाइज मेरे पास है भाई गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, ये चेक करो भाई, ये रहा गोप्रो छोटा सा, और इसके साथ कुछ माउंट आया था जैसे कि ये वाला माउंट आया था एंड एक स्क्रू आया था एंड ये माउंट आया था जो कि अभी आप देख सकते हो मैंने एमसील से चिपका दिया इसको। तो ये जो माउंट है ना आपको एमसील से चिपकाना है अपने हेलमेट में, एकदम सामने भी चिपका सकते हो या फिर ऊपर थोड़ा ऊपर भी चिपका सकते हो, आपके हिसाब से देख लेना एंगल कैसा क्या आता है कैसा क्या नहीं। तो गाइस ये जो माउंट है ये चिपकाने के बाद इस टाइप का एक माउंट मिल जाएगा जो सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये चेक करो, ओपन होने के बाद सिंपल तरीके से भाई इसके अंदर घुस जाएगा, ये चेक करो, और ये आपको बंद कर देना है। तो ये हो गया, इस पर अभी आप गोप्रो सेटअप कर सकते हो, और गोप्रो कैसे सेटअप करना है अभी आपको दिखाते हैं। ये रहा मेरा गोप्रो, तो इसके अंदर पहले से माउंट दिया हुआ है जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो माउंट है इसके अंदर से मैं निकाला एंड सिंपल तरीके से भाई इस पर ये लगा के हम स्क्रू से कस देंगे, ये रहा गाइस इसका स्क्रू। गाइस ये चेक करो भाई, पूरा टाइट कर देना है एंड आपके हिसाब से एंगल सेट करना है, एंड गोप्रो का सेटिंग भी बता देते हैं आपको क्या रखना है। तो ये अपना गोप्रो ऑन हो गया, तो सेटिंग आप चेक कर सकते हो अभी, ये जो है ना सुपर व्यू मोड में है जो कि पूरा एकदम वाइड आता है, और स्टेबिलिटी जो है ना आपको मीडियम में रखना है, मतलब एकदम इसको ऑन नहीं करना क्योंकि ये जब ऑन करोगे ना तो क्रॉप हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्वालिटी में आपके हिसाब से आप जिस पे एडिट करोगे उसी हिसाब से भाई क्वालिटी सेट करना है। तो ये चेक करो क्वालिटी मैंने सेट कर दिया है 1080 एंड 60 FPS, और हाइपर स्मूथ को भाई आपको मीडियम रखना है, ज्यादा रखोगे तो भाई क्रॉप हो जाएगा, हैंडल बार नहीं आएगा, बस यही सेटिंग आपको रखना है। और साथ साथ बीट रेट जो है एकदम हाई पे रखना है, इससे क्वालिटी और भी अच्छा आएगा, और शार्पनेस भी आपको हाई में रखना है, यही गोप्रो का डिफॉल्ट सेटिंग है, बस आपको ये सब कुछ ही चेंज करना होगा, बाकी जो सेटिंग है वैसे ही रखना है। तो गाइस यही है सेटअप, अभी आप देख सकते हो कैसा क्या लग रहा है, ऐसे ही आपको कैमरा में सेटअप करके अपना व्लॉगिंग सेटअप बनाना है, पीछे से भी देख सकते हो कैसा क्या लग रहा है। बाकी मैं प्रीफर करूंगा आपको कि आप डीकैथलॉन से ही अपना हेलमेट लेना, क्योंकि इसमें ना ए साइज आता है, तो अगर डीकैथलॉन से लोगे ना तो क्या होगा ना उस पे साइज वेरिएंट आता है, तो क्या होगा ना आपके हेड के हिसाब से आप साइज चूज कर सकते हो एंड इजीली आप हेलमेट एक परचेस कर सकते हो। ये वाला हेलमेट का जो प्राइस है डीकैथलॉन में एंड अमेजोन पे सेम ये 1300 के अंदर आ जाएगा, अगर आप होम डिलीवरी कराओगे तो 100 रुपीज ज्यादा लग सकता है। तो ये हो गया भाई हेलमेट के बारे में, एंड कैमरा मेरा एकदम ब्रांड न्यू है, तो कैमरा अगर आप सेकेंड हैंड लेना चाहते हो तो सेकेंड हैंड
ले लो या फिर नया लेना चाहते हो नया ले लो। मेरा ये कैमरा आया था भाई 35,000 में, तो मेरा जो अभी सेटअप देख सकते हो मैंने और ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करा। और अगर आपको साउंड क्वालिटी और भी अच्छा चाहिए तो कैमरा के साथ एक माइक एडेप्टर आता है GoPro का ही, तो वो करीब 8,000 का आता है, तो अगर आपके पास पैसा है तो ले सकते हो। या फिर मैं तो भाई इसका इनबिल्ट माइक से ही शूट करता हूँ, बहुत अच्छा ऑडियो क्वालिटी आ जाता है। तो यही था गाइस यार मेरा कैमरा व्लॉगिंग सेटअप मान सकते हो 36,000 में कंप्लीट हो जाएगा। एंड मोबाइल वाला जो सेटअप है ना वो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। तो अभी आपको बताते हैं मोबाइल में कैसे आप व्लॉगिंग कर सकते हो। तो गाइस अभी बात करते हैं कैसे आप अपने फोन से व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हो, पूरा एकदम अच्छा व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हो। काम चलाओ नहीं बताएंगे, एकदम प्रॉपर व्लॉगिंग सेटअप बताएंगे। अगर आपके फोन में भाई वाइड एंगल है ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एंड स्टेबिलिटी मोड है तो और भी ज्यादा बढ़िया है। और अगर फिर भी नहीं है दोनों में से कुछ भी तो भी भाई काम चल जाएगा, बाकी ये दो चीज अगर होगा ना तो भाई और बेटर होगा। तो फोन से व्लॉगिंग करने के लिए आपको ये वाला हेलमेट लेना होगा। तो ये जो हेलमेट है भाई ऑटो ग्रीन X7 है, अभी आप देख सकते हो। ये हेलमेट आपको बाय करना है, किसी भी बाइक के शॉप पे चले जाओ और जाके बोलो ऑटो ग्रीन X7 मुझे चाहिए। तो ये जो हेलमेट है ना भाई करीब 900 का आ जाएगा आपको। हम तो भाई 800 में लिए थे क्योंकि यार हमारे कुछ पहचान वाले थे तो उसी तरफ से हम गए थे, तो 800 में दे दिया था। बाकी आपको शायद 1000 या फिर 900 में आपका आ जाएगा। तो हेलमेट का तो भाई हो गया, और हेलमेट आपको यही लेना है अगर आपको साइकिल व्लॉगिंग सेटअप बनाना है अपने फ़ोन से। तो और साथ साथ गाइस आपको ये वाला माउंट भी लेना है, ये चेक करो, ये जो माउंट देख रहे हो ना भाई ये माउंट भी लेना है। एक्शन प्रो का माउंट आ जाएगा अमेजन से, मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करो, सबका लिंक दिया हुआ है, बाकी हेलमेट का नहीं दिया हुआ है। हेलमेट आपको ऑफलाइन शॉप से खरीदना होगा, एंड ये जो माउंट है ना एक्शन प्रो का ये आपको खरीदना होगा। इसके साथ साथ ये वाला माउंट भी आ जाता है, और साथ साथ आपको हो सके तो ये माउंट खरीदना होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन पे सबका लिंक दिया हुआ है। और साथ साथ एक मोबाइल होल्डर भी खरीदना होगा, और कुछ इस तरीके से आपको हेलमेट के सामने सेट करना होगा। अभी आप देख सकते हो बहुत ही ईजी है सेट अप करना, और अपना फोन भाई इधर रखा और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस GoPro का प्रीव्यू कैसा आता है एंड फोन से प्रीव्यू कैसा आता है अभी आपको बताते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों का सेटअप आपको कैसे करना है। देख सकते हो अपना मोबाइल व्लॉगिंग सेटअप कैसा लग रहा है। तो इसमें क्या है ना, आप अगर ये वाला माउंट यूज करोगे ना तो सही रहेगा, और हो सके तो मोबाइल के सेफ्टी के लिए और भी बहुत बहुत माउंट आता है जिसमें गिरने का चांस बहुत ही ज्यादा कम रहता है, तो वो सब माउंट भी आप यूज कर सकते हो। बाकी ये भी अच्छा है, अगर आप उली वगैरह मारोगे तो थोड़ा बहुत मतलब संभाल के मानना, दिक्कत नहीं आएगा। बाकी ये चेक करो भाई व्लॉगिंग सेटअप कैसा किया लग रहा है, ये तो भाई प्रोफेशनली एकदम तरीके से हो गया, जैसे आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप करते हो ना वैसे ही आपको साइकिल व्लॉगिंग सेटअप ऐसे ही बनाना है, तो इजी तरीके से ये आप बना सकते हो। तो चलो गाइस अभी फोन का प्रीव्यू आपको दिखाते हैं, एंड साथ साथ हमारा जो GoPro का सेटअप है उसका भी प्रीव्यू आपको चेक कराते हैं। तो गाइस अभी आप चेक कर सकते हो, ये है भाई GoPro का प्रीव्यू, एंड मुझे पता है भाई GoPro का क्वालिटी क्या बात ही अलग है, और अच्छा वाइड भी आ रहा होगा एंड स्टेबल भी आ रहा होगा, क्योंकि GoPro में भाई स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। एक्शन कैमरा है इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि भाई आप एक एक्शन कैमरा ही ले लो, सेकेंड हैंड ले लो तो भी चलेगा। एंड वाइड एरिया कैसा क्या आ रहा है चेक करो, हैंडल बार भी आ रहा है, सामने का व्यू भी आ रहा है। अभी आपको एक छोटा सा व्हीली मार के भी दिखा देते, ये चेक करो गाइस, एंड व्हीली का प्रीव्यू कैसा आ रहा है यार वो भी चेक करो। GoPro का यही फायदा है कि भाई एकदम सिक्योर रहता है, एंड व्हीली मारोगे उचकाओगे पटकाओगे कुछ भी कर लो भाई GoPro का माउंट ब्रेक नहीं होने वाला है। तो चलो एक व्हीली सर्कल हो जाए गाइस, बहुत दिन से यार मैं व्हीली सर्कल का प्रैक्टिस नहीं करा, बाकी देखते गाइस कैसा क्या होता है। ओ भाई थोड़ी सी तो भाई अनबैलेंस हो रहा था, बाकी कोई ना, आपको GoPro का प्रीव्यू पता लग गया होगा। अभी आपको दिखाते हैं भाई फोन का प्रीव्यू कैसा आता है। तो गाइस फिलहाल अभी आप चेक करो फोन में कैसा क्या प्रीव्यू आ रहा है, तो अभी आप चेक करो मेरा हैंडल बार कैसा आ रहा है और सामने का व्यू कैसा आ रहा है। तो आपको अभी स्लाइटली एक व्हीली मार के दिखाते हैं, एक छोटा सा व्हीली मारेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं मारेंगे क्योंकि फ़ोन में मेरे को डर लगता है। आप हो सके तो एक अच्छा सा भाई माउंट ले लेना फ़ोन माउंट करने के लिए। तो चलो यार एक व्हीली मार के दिखाते हैं, तो इसी सेटअप से बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, ये देखो क्या कर रहा है रेड बुल पी रहा है। तो चलो गाइस एक छोटा सा व्हीली उठाते हैं, ये चेक करो गाइस फ़ोन में ऐसा कुछ प्रीव्यू आता है, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा।
और व्हीली के साथ भी दिखा दिया आपको, तो आपको फुल अंदाज़ा लग गया होगा कि फ़ोन में कैसा क्या आता है। तो फ़ोन में थोड़ा सेफ्टी कम रहता है। आप एक काम करना, एक अच्छा सा फ़ोन का माउंट देख लेना, अमेज़न पे जाके परचेस कर लेना। तो ये था कुछ फ़ोन का प्रीव्यू। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कैसे आपको फोन से व्लॉगिंग सेटअप बनाना है एंड कैमरा से कैसे व्लॉगिंग सेटअप बनाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें करीब 10K से ऊपर व्यूज गया। तो थैंक यू सो मच गाइस। कैमरा के पीछे है विश्वेश YT, स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर देना, बहुत हेल्प करता है मेरा कैमरा पकड़ने के लिए और बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक करने के लिए भी हेल्प करता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।